पार्सल मेरे नाम से था, मुझे पता ही नहीं कि भेजने वाला कौन है और क्या है इसके अंदर। क्रॉप टॉप आ गया, जबकि मैं कभी क्रॉप टॉप पहनती नहीं हूँ, पर मैं रिटर्न नहीं मार रही क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है। तो बना दिया मैंने, क्या बना दिया? मैंगो शेक। ये लो मम्मी, बहुत बढ़िया। क्या सीमा है वहाँ? कुछ नहीं मिल रहा वहाँ, कोई बीमा नहीं है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे और मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया देखिए कैसे सो रहे हैं दोनों के दोनों। मैं इधर से इसलिए दिखा रही हूँ कि दोनों को सोने का स्टाइल देखो, बिल्कुल सेम देखो। लाइक डॉटर लाइक फादर। कल हम सो रखे थे मम्मी पापा के रूम में, क्योंकि हमारे वाले रूम में एसी नहीं लगा, कल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम सब यहीं पे एडजस्ट हो गए, पापा मम्मी मैं ये और दोनों बच्चे। तो मज़ा आया कल सोने में। मैं तो सुबह उठ के चली गई थी शंभू के साथ अपने वाले रूम में, और ये दोनों देखो सूट गया इस बीच। काजू देखो देखो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या ढूंढ रहा हो भाई सुबह सुबह उठे? बहुत तरीके है पापा तो उसके बिना सोते ही नहीं है, उसके पापा तो उसके बिना सोते ही नहीं है, अब उनको चाहिए ही चाहिए। वो पहले कासू मेरे साथ सोती थी। मम्मा मांग रही है, मैं बाहर रख के आ गई, तो मैं कासू का पानी लेके आ गई। यहाँ मम्मी तैयारी कर रही है नाश्ते की, काशी का पानी। और ये देखो शंभू यहाँ सो रहा है, कल टीका लगा था तो अभी ठीक है थोड़ा। ये लो पद्मावती। दोस्तों आज बन रहे हैं नाश्ते में आलू के परांठे। अब आलू का परांठा कहूँ कि पनीर का परांठा कहूँ कि प्याज का परांठा कहूँ, सारे मिक्स होके बन रहे हैं। तो जब बन जाएंगे तब दिखाती हूँ मैं आपको। और मम्मी ने बनाया है मेरे लिए दलिया। मैं आजकल ना डेली दलिया खा रही हूँ, जब से शंभू हुई है तो एक कटोरी दलिया मैं डेली खाती हूँ नाश्ते में। दोस्तों एक बार फिर से बन रहे हैं आज आलू के परांठे। जब आप नींद में थे तब मैंने बता दिया था, और आलू के नहीं तीन चीजों के मिश्रण से बन रहे हैं। अच्छा मिश्रण है इसमें, तो मिश्रण है इसमें आई थिंक आलू प्याज और पनीर का। भैया आज तो मजा आने वाला है फिर तो। मेरे लिए बनाने से चार परांठे ठीक है भैया? मसेटू इतना नहीं है, दो आएंगे सब में। चलो कोई नहीं, दो भी बाकी है। और सब लोग क्या कर रहे हैं? शैलू अभी तक काशी साथ में खेलती थी सैलू के, अब काशी वहाँ चले गई, दल्लू वहाँ पे ना के आ गया। यहाँ पे मम्मी है अभी अपनी पोती वानी के साथ में। वानू ड्यूटी लगी वानी की, सैलू की ड्यूटी लगती है, वानी की ड्यूटी लगती है। सही बात, दो तो बड़े हो ही गए हैं, चल रहे ठंडे वाले हो गए, ये दो हो गए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। दोस्तों नमस्कार, और हमारे लिए बड़ी खुशी बात है कि जो जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ के जो हमारे पार्षद है मेयर है वो है श्री सचिन ठाकुर जी, और उनकी भारी मतों से उनकी जीत हुई है और काफ़ी सालों से जीत रहे हूँ। तो मैं कल था गांव में दो तीन दिन शादी में देहरादून, कि जैसे मुझे पता लगा कि भाई वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं तो मैंने कहा ठीक है, और माता रानी ने गंगा जल भेजा उनके लिए स्पेशल, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ी खुशी बात है, मैं उनके लिए गंगा जल लेके चलता हूँ। गंगा जल लेकर आए और मैं लेकर आया हूँ फूल मिठाई। तो बस चलते हैं, उनका पास ही ऑफिस है जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा हमारे ब्लॉग में, चौथी बार लगातार जीते हैं। अरे वाह, इस वार्ड से वाह। और मैंने कल दर्शकों को फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, उत्तराखंड से आ रहे हैं ना, से पहले बार जा रहा मैं आ रहा हूँ। भाई साहब तो कल से मुंह मिठाई कर रहे होंगे। बहुत बहुत बधाई जीत के लिए, उनके भी चौथी बार जीते हैं भाई साहब यहाँ से गॉड से, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये। और जब से हम यहाँ पे आए हैं और मालूम चला है कि जो कार्यालय है भाई साहब कोई नहीं पड़े, तब से तो और ज्यादा खुशी होती है। इधर से सारे सब बहुत प्रसन्न है, सब लोग काफी खुश है, और इस बार तो मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग यहाँ पास में रहते हैं, और काफी घर के सदस्य ही हो गए हैं। सर कितने सालों से?
15 साल से जो विजन है तभी मतलब बरकरार है ये, तो मतलब उसका जो कार्रवाई है कार्रवाई वो चलता जा रहा है, आगे भी हमारे दुआ है कि ऐसे ही चलता रहे और भाई साहब को हम हमेशा विजय रखते सवाल होता भाई यही देखते रहे। इसको देखो काशी को देखो, ये कल इसके लिए मम्मी ये टी शर्ट लेकर आई, उसने आज ही पहन ली। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने अपनी माँ वाली हरकत कर दी थोड़ी। क्यों बताओ कैसे? अच्छा अंदर डाल के? नहीं अंदर डाल के नहीं, ये देखो दिखाओ पहले दिखाओ। हंसता मैं ना गुदगुदी नहीं कर रही हूँ बाबू, ये देखो ये। अरे वाह ये इसको 5 साल तक है इसको। मैं बताऊँ क्या है सीमा, उसका जो शोल्डर है वो ठीक आ रहा है बिल्कुल। काशी ने सोचा कि जब मैंने मम्मी की कल की ही लाई हुई टी शर्ट पहन ली तो फिर बैग क्यों छोड़ू, तो बैग भी लटका लिया उसने पीछे और अब घूमे जा रही है। काशी तेरे हाथ में क्या है? ओए तुम्हारा कैसी वो बच्चा? सासी का, सासी की मम्मी का है। अपने लिए टी शर्ट जैसे कि आजकल मैं हो रही हूँ बहुत ज्यादा हैवी। अरे मिली है मेरे को, और कलर देखा जाए ना अगर गौर करो लड़कियों की नजर से देखो तो दोनों येल्लो में फर्क है, ये मस्टर्ड येल्लो है और ये ब्राइट येल्लो है देखो। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो माथे पे हाथ लगा लिया अपने, मैं तो एडजस्ट कर लेता हूँ। कैरी वाव कासु हाउ इज दिस येलो बना दिया मैंने। क्या बना दिया? मैंगो शेक। दोस्तों आजकल और की हमारी मशीन खराब और हमारे घर के महानुभूति जो है वो जा नहीं रहे हैं मिक्सी ठीक कराने के लिए, तो और पीने का बहुत मन कर रहा था शेक, कल लेके आए थे हम मार्केट से आम, तो मैंने बना दिया शेक। अच्छा बना है यार। तो मैंने इसी का, वैसे मैं कासू के लिए यूज करती हूँ उसका फूड वूड को वो करने के लिए, बट ये देखो तैयार हो गया, घी भी इसी से बनाती हूँ मैं। मस्त शेक बनाया, मस्त। अब पी के देखते हैं। वैसे बर्फ डाल दो यार, ठंडा कर दो, चिल्ड कर दो। लो हमारे घर के भैरव बाबा माता रानी ये ले कासू जूस, मैंगो जूस आ जा नन्नू, मैंगो जूस गिरा है ना जिसने, बता दूंगी फिर मैं अच्छे से। हेलो मजे करो और मिकुल तुम खुद नीच, तुम क्या करोगे पी के? ये बराबर आया भाई, देख रहे हो? मुझे ज्यादा दे दो यार, ये लो। मेरी बीवी नहीं हो तुम? मेरी बीवी नहीं हो तुम? ये लो इतना ही ज्यादा मिल सकता है बस। तो बस दोस्तों पीते हैं मैंगो शेक, गर्मियों का मम्मी तोहफा। बहुत बढ़िया ये लो मम्मी, बहुत बढ़िया। क्या सीमा है वहाँ? कुछ नहीं मिलता वहाँ, कोई बीमा नहीं है, है? ना बर्फ नहीं है, ठंडा पानी है। कैसा है माँ, मजा है ना? माजा फ्रूटी स्लाइस सब फेल, ये अंजलि का, ये सचिन का और पापा का, सबका बदला लेगा। मेरे सैलून ही पिएगा देखो, ये इनका यहाँ पे डेली पूल बनता है। आ गया मम्मी, तो मम्मी को देख के लग रहा है मैंने सबसे पहले पी के। ऐसा लग रहा है कि बाजार का ही है, बाजार का ही है। ये दोनों अभी तक मैंगो से एक ही पी रहे हैं। कैसा लगा कासू? कैसा है? चलो ये हम बनाएंगे खिचड़ी। तो दोस्तों ये आ गया है सामान, सामान और ब्लिंकिट से मंगाया है। हाँ बच्चा तेरे लिए नहीं, बच्चा इसमें कुछ एक्साइटमेंट देखो। धनिया बाबा चेक कर रहे हैं सब कुछ ठीक से, तो आ रहा है ना ब्लिंकिट है ना उन लोगों के लिए जो आलसी होते हैं जैसे कि हम। पापा है, सही कह रहे बिल्कुल।
बच्चा तेरे लिए नहीं है बच्चा, ये जब पकेगा तब तो खाएगी। दोस्तों अभी हम खा रहे थे खाना और इसी बीच आया एक पार्सल, और पार्सल मेरे नाम से था, मुझे पता ही नहीं कि भेजने वाला कौन है और क्या है इसके अंदर, क्योंकि मैंने तो मंगाया नहीं था। तो सोच में पड़ी थी कि क्या होगा, क्योंकि मैंने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया अपने छोटे भाई का। और ये पार्सल जो है ये आया है मेरे मायके से, मेरे घर से, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले वो गए थे गाँव में, और गाँव में हमारी पूजा थी, जो मंडाण वगैरह लगता है ना, देवी देवताओं वाली पूजा थी, और मेरे लिए आई है वहाँ से मिठाई। तो टाइम नहीं मिल पा रहा है वहाँ से आने का, तो इसलिए उन्होंने पार्सल कर दिया। अब मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। इनके साथ आ रखा है, और देखिए ये पक्का नीरज ने की होगी पैकिंग। तो धन्यवाद माँ, पिताजी और दोनों भाई, दोनों भाभी, उन्होंने मिठाई का डब्बा भेजा है। मुझे पता था इसमें मिठाई है, क्योंकि मम्मी से मेरी बात हुई थी, पर ये नहीं पता था कि वो कोरियर कर देंगे। मुझे लगा भाई और कोई आएगा देने के लिए। तो ये है कोड़दार की मिठाई। अरे वाह। और मुझे लग रहा है होगी बाल मिठाई या फिर वो चॉकलेट वाली मिठाई। हो सकता है, पैकिंग तो अच्छी लग रही है। तो जैसे कि आज मदर्स डे है, माँ आपने भेजा, धन्यवाद। मुझे भेजना चाहिए था, कुछ आपने भेज दिया, एक ही बात है। तो ये है, वाह, ये है बाल मिठाई, जिसके ऊपर व्हाइट व्हाइट नहीं होता, नॉर्मल वाली बाल मिठाई है। और देखने से दोस्तों लग रहा है जैसे अरसे होंगे। ये आ गई है दोस्तों बाल मिठाई, जिसे हमारे खाएंगे बाल गोपाल। मम्मी मदर्स डे के उपलक्ष में आपको बाल मिठाई, चॉकलेट। हाँ, इसे चॉकलेट ही बोलते ना सीमा। मतलब नॉन पहाड़ी लोग तो चॉकलेट ही बोलते, चॉकलेट वाली मिठाई या बाल मिठाई, वैसा अरसा की तरह भी लग रहा है। हाँ। तो दोस्तों हो गया है डिनर टाइम, मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ अपना डिनर, और ये मेरी गोद में है शंभू। शंभू अब रिएक्ट करने लग गया है बहुत। शंभू हेलो। और सबसे ज्यादा रिएक्ट से ज्यादा पकड़ने लग गया है चीजों को, इतनी ये देखो, और टाइट से पकड़ता है बहुत। तो अभी उठी हुई थी तो मैंने गोद में रख दिया, वैसे तो रो नहीं रही थी, पर फिर भी मैंने गोद में रख दिया कि थोड़ा सा धीरे धीरे मैं खाती भी रहूंगी और उसका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। तो आज बनी है पहाड़ी बिरयानी, तो वही दिखा रही थी मैं पापा के थाली में। सबसे ज्यादा पापा खाते हैं हमारे घर में पहाड़ी बिरयानी, सबको मिलता है कम पापा खाते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि पापा का फेवरेट फूड है ये। तो आजकल हम सब नीचे बैठ के आराम से अपने डिनर को, लंच को, ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। यहाँ बच्चों को इतनी पसंद है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खत्म हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, तो अभी कासी उंगली से निकाल कर खिला रही है सैली को। सैली भी खूब खाती है आइसक्रीम, अब कुछ दिनों के बाद शंभू भी खाया करेगी। दोस्तों टाइम कितना हो गया? तो टाइम हो गया दोस्तों 12 बजने में है, 5 मिनट बाकी, और मेरे हाथों में है ये क्या, रायता। तो जो रायता कुछ ऐसा बन रखा है, इसमें पुदीना वुदीना धनिया वनिया डाल रखा है, सपोर्टने वाला रायता, ऐसा रायता बन रखा है। और आज आप लोगों को हम अलग जगह पे दिख रहे होंगे, मम्मी पापा का कमरा, और लास्ट नाइट भी हम यहीं पे सोए थे, क्योंकि गर्मियां बहुत अपने उफान पे है। इतने टाइम से मौसम अच्छा था, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और इस वाले कमरे में एसी है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए काशी और शंभू को लेके। मैंने शंभू को पूरा पैक कर रखा है अभी, क्योंकि अब एसी उफान में। मम्मी कह रही है मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो इसलिए मम्मी डाकू बन रखी है। हो रहा है, तो कह रही है हवा से परेशान ना हो जाओ, इसलिए मम्मी ने मुंह कवर कर लिया, और सही किया है। बाय बाय, जय शंभू। चलिए दोस्तों फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय शंभू।